माफिया डॉन अतीक अहमद और भाई अशरफ हत्याकांड में जिगाना पिस्टल का कनेक्शन जुड़ा है। बताया जा रहा है कि इसी पिस्टल से दोनों की हत्या हुई है। इससे पहले जिगाना पिस्टल से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हुई थी। जिगाना सीरीज की सभी पिस्टल तुर्की की कंपनी टिसास ट्रेब्जेन आर्म्स इंडस्ट्री कॉर्प बनाती है। ये कंपनी पिछले 22 सालों से पिस्टल बना रही है। 8.6 इंच की ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल कई मायनों में खास है और ये आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। चलिए जानते हैं कि ये पिस्टल दूसरी पिस्टलों से कितनी अलग है और इसकी कीमत क्या है और ये कैसे भारत पहुंचती है। ये पिस्टल 9 मिलीमीटर की पिस्टल है जिसे तुर्की की कंपनी बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक मैगजीन फुल होने पर 15 राउंड फायर कर सकती है। इस पिस्टल को लिमिटेड इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। जिगाना पिस्टल केवल सिक्योरिटी कंपनी को ही बेची जाती है और तुर्की की सेना इसका इस्तेमाल करती है। इस पिस्टल की कंपनी ये भी दावा करती है कि ये यूरोपियन पिस्टल की कॉपी नहीं है। आपको बता दें कि भारत में ये पिस्टल बैन है। इसको अवैध तस्करी के जरिए यहां लाया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जिगाना पिस्टल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत पहुंचती है। फिलहाल इसका इस्तेमाल मलेशिया और अजरबैजान की सेना के साथ फिलीपींस पुलिस और अमेरिकी कोस्ट गार्ड करते हैं। जिगाना पिस्टल में ब्राउनिंग टाइप लॉकिंग सिस्टम है जो उसे पावरफुल बनाता है। मॉडर्न फायर आर्म की रिपोर्ट के मुताबिक जिगाना M16 जिगाना का सबसे ओरिजिनल मॉडल है जिसमें शॉर्ट अंडर बैरल डस्ट कवर का इस्तेमाल किया गया है। जिगाना दूसरी पिस्टल से इसलिए भी अलग है क्योंकि इससे निकलने वाली गोली एक सेकंड में 350 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि वो नाटो स्टैंडर्ड के मुताबिक ही पिस्टल का निर्माण करती है। वो कम भारी हथियार बनाती है और डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के मानकों के मुताबिक ही इसे तैयार करती है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में यह दावा किया गया है कि पिस्टल को सप्लाई से पहले मानकों पर परखा जाता है जिससे उसका फायर कंट्रोल टेस्ट होता है। इसमें 100% पास होने के बाद ही उसे सप्लाई किया जाता है। जिगाना सीरीज का सबसे आखिरी मॉडल जिगाना PX9 है। जिगाना नाम हंगरी में लड़कियों का रखा जाता है जिसका मतलब होता है जिप्सी गर्ल। जिगाना पिस्टल को सीधे तौर से नहीं खरीदा जा सकता है क्योंकि कंपनी इसे विशेष तौर पर सिक्योरिटी एजेंसी और सेना के लिए तैयार करती है। हालांकि बंदूक की स्मगलिंग से जुड़े अपराधी दूसरे देशों में इसकी तस्करी करते हैं। आपको बता दें कि रविवार रात को पुलिस हिरासत में बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में। अब देखना बाकी ये होगा कि अतीक और अशरफ की हत्या में और कितने पेज खुलकर सामने आते हैं। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।